नमस्ते कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ सभी लोग ठीक होंगे यहाँ पर मैंने बनाया है आज आम पन्ना और थोड़े से आमों का अचार जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है तो यहाँ पर ये है आम पन्ना और चलिए देखते हैं मैंने इसे किस तरह से बनाया है आम लिए हैं मैंने पाँच छः ये अभी तोड़े हुए आम हैं तो इनको कट कर लिया है इसमें अभी गुठली नहीं लगी है तो मैं अभी थोड़े से ही अचार बना रही हूँ क्योंकि खाने का मन कर जाता है आम को देख के तो मैंने यहाँ पे धूप में इसको सुखाने के लिए रख दिया था आम पन्ना के लिए मैंने एक बर्तन में आम लिए हैं और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको गैस पर चढ़ा दिया है और थोड़ा सा यहाँ पर डाला है नमक और साथ में डाला है गुड़ यहाँ पर अब आम को पकने देंगे थोड़ी देर और यहाँ पर मैं मसाला रेडी कर रही हूँ मसाला में है थोड़ा सा सौंफ जीरा और काली मिर्च इसको कूट लिया है मैंने इमाम दस्ते में यहाँ पर मैं अचार के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ तो ये है सरसों और थोड़ी सी राई और पंचपूरन लाल मिर्च और जीरा पाउडर नमक स्वाद अनुसार और ऊपर से मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म करने के बाद ठंडा करके इसमें ऐड करूँगी और इसमें आप डाल देंगे हम जो कटे हुए आम थे मैंने थोड़ी देर इनको सुखा लिया था तो अभी गुटली नहीं लगी है आम में इसलिए मैंने ज़्यादा अचार नहीं बनाए यहाँ पर थोड़ा सा अचार रेडी किया है खाने के लिए तो इसको अब मैं धूप में रख दूँगी यहाँ पर मेरा आम पन्ना भी रेडी हो चुका है तो इसको मैं अब मिक्सी में पीस लूँगी और उसके बाद एक गिलास में दो से तीन चम्मच आम पन्ना हम डाल लेंगे और यहाँ पर पानी इसमें डालेंगे अगर आपको बर्फ़ या ठंडा वाला चाहिए तो आप बर्फ़ डाल सकते हैं और उसके ऊपर डालिए पुदीना और जो मसाला पीसा हुआ था वो भी इसके ऊपर छिड़क दीजिए और पीने में ये बहुत ही ठंडक देता है लू से बचाता है तो घर पर ज़रूर बनाइए और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए धन्यवाद